आज हम नींबू पर चर्चा करेंगे। जो सबसे अधिक मुझे मैसेज मिलते हैं और नींबू की समस्याएं मिलती हैं वो है नींबू में टहनियां सूखने का रोग। बहुत लोग बताते हैं कि मेरे पेड़ की टहनियां ऊपर से सूखनी शुरू हो गई और पत्ते गिरने शुरू हो गए, इनका मैं क्या इलाज करूं? आज मैं इसका आपको लाइव डेमो दिखाऊँ। ये मेरे दो पेड़ हैं, साईं सरबती के हैं और इनकी उम्र सितंबर में 3 वर्ष हो जाएगी। आप देखिए, इनमर भी यही रोग था, ये कुछ टहनियाँ सूख भी गई हैं, ये देखिए, और अब नए पत्ते निकल रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि इनमें फरवरी में जो थे नए पत्ते आए थे, बिल्कुल नए आए थे, लेकिन जब मैंने खाद लगाकर पानी दिया और मैंने 3 पानी दिए थे और तीसरे पानी के बाद में 2 बहुत तकड़ी बारिश हुई थी और उससे फिर मैं सब पत्ते गिर गए थे पानी अधिक होने की वजह से, क्योंकि मैं अभी ड्रिप का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आगे आगे जितने भी पेड़ हैं वो बहुत स्वस्थ हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अब फिर जब मैंने अपने ग्रुप में इनसे चर्चा की, नावेद भाई से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मेन कारण था, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, कि मैंने नीचे मल्चिंग करा दी थी और जो 15 दिन तक इसमें बहुत अधिक नमी रही, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है ये बलुई दोमट मिट्टी है और काफ़ी दिनों तक नमी रहती है इसमें, तो सारे पत्ते गिर गए, क्योंकि इसमें जो जड़ों में फंगस का अटैक हो गया था। यही एक मुख्य कारण है। और अधिकतर मैंने देखा है कि जो भी लोग अपने पेड़ दिखाते हैं तो उनमें मैंने देखा है कि जैसे ये मेरा पेड़ है, आप देखिए, इस पेड़ में के पास में मैंने ऊंचाई की हुई है, लेकिन अधिकतर लोग इस पेड़ के पास में गड्ढा रखते हैं, गहरा रखते हैं और वहाँ पर ड्रिप से पानी चलता रहता है। और नींबू की जड़ों में अगर आपने इस प्रकार पानी दिया तो आपकी टहनियाँ सूखना निश्चित है। एक बात मैं और बताऊंगा कि कुछ लोगों ने कहा कि आपके पौधे उतने बड़े नहीं हैं, ये 2.5 वर्ष के हो गए। मैं मानता हूँ उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन आप इनमें एक भी सूट नहीं देख पाएंगे। जो पौधे बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं उनमें मैंने अधिकतर देखा है, फ़ोटो मंगाए हैं लोगों के, तो उनमें सूट्स बहुत हैं। और जब सूट्स अधिक होंगी तो आपको क्या होगा, फलन कम मिलेगा। पहला पूरा उद्देश्य मेरा इसमें नीचे से 1-1.5 फीट जगह छोड़कर और इसकी कैनोपी बनाना था। और देखिए कितना सुंदर पेड़ है। अब मैंने इसमें जो फंगस आई थी और जिससे टहनियाँ सूखने लगी थी, देखिए ये भी साईं सरबती का पौधा है, ये लगभग 6 फीट ऊंचा पौधा है और इसमें एक भी सूट नहीं दिखाई देगी। खूब अच्छा पौधा है। तो मैंने क्या किया, पहला कार्य ये किया कि इनकी जो जड़ें थी यहाँ से मैंने इसको मल्चिंग हटवाई और मल्चिंग हटाकर थोड़ा थोड़ा इससे सफाई कराई और सफाई करके थोड़ा इससे मैंने इसको वहाँ पर निराई कराई। निराई कराकर यहाँ पे देखिए ये साफ़ कराया और इसमें धूप लगी। जब धूप लगी तो थोड़ा सूखा हुआ और उसके बाद मैंने जो बोर्डो मिक्सचर है जो हम बनाते हैं, 1 किलो नीला थोता 5 लीटर पानी में भिगोते हैं रात को, और 1 किलो चूना, वो बुझा हुआ हो या बिना बुझा हो, सारी रात 5 लीटर पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह दोनों को मिलाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं और मैं उससे 150 लीटर पानी बना लेता हूँ। 10 लीटर ये हो गया, 140 लीटर और पानी डालता हूँ, 90 नहीं डालता, 140 डालता हूँ। और सभी पौधों में, जड़ों में और कैनोपी में मैंने 4-4 लीटर पानी दिया इनमें। उसका नतीजा था कि आप देखिए इनमें फुटान शुरू हो गई, रोग कम हो गया। इसके लिए ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप चाहें तो इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर भी मिला सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे पौधे हैं। जब भी आप बागवानी करते हैं तो किसी के यहाँ भी मैंने आज तक नहीं देखा
कि सभी पौधे एक जैसे स्वस्थ हों। कहीं पर पानी भर जाता है तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, या किसी कारणवश कहीं पे कट लग गया तो भी पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अब मैं आपको NRCC 8 के पौधा दिखाता हूँ, और उनमें से एक पौधे को मैं बचा भी नहीं पाया, ऐसा भी होता है। ये मेरा तीसरे साल में पहला पौधा है जो मरा है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये NRCC 8 का पौधा है, और इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने पानी दिया हुआ है, मैं खेत में नहीं जा सकता, तो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए कि इसमें काफ़ी नींबू लगे हुए हैं जो मटर के दाने से बड़े हो गए हैं, और ये नींबू हमें जुलाई तक मिलेंगे। ये भी उतनी ही उम्र का पौधा है, सितंबर 2020 में मैंने लगाया था। एक ये पौधा है, ये थोड़ा छोटा है इससे, इसमें पिछले साल नींबू आए थे, लगभग 12-13 नींबू मैंने लिए थे। इस साल इसमें भी नींबू हैं, पर मैंने कम रखे हैं, पौधा छोटा है। और ये देखिए, ये सब जो हैं मेरे NRCC 8 के पौधे हैं, और इनमें नींबू आए हुए हैं। इन पौधों में भी थोड़ी समस्या आई थी, और वो यही थी पानी अधिक होने की वजह से। जब मैंने इनको सफाई कराई और इसमें ड्रिंचिंग कराई, उसके बाद भरपूर फुटान होने लगी, और फिर मैंने अब इसमें पानी दिया है। पानी देने का कारण ये है कि जो नई कोमल पत्तियां निकल रही हैं उनको कोई समस्या ना आए और वो न गिरे। अब पानी इसमें करीब 15 दिन आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा माइक्रो न्यूट्रेंट, बोरोन और चिलेटेड जिंक और 13045, ध्यान रखिए 1919 नहीं किया, 13045 5 ग्राम, और बोरोन 1 ग्राम और चिलेटेड जिंक मैंने 2 ग्राम इनका स्प्रे कराया है। उसके बाद पानी दिया है, और मैंने इन पर बोर्डो पेस्ट भी कराया गया। ये देखिए, सभी पौधों पर बोर्डो पेस्ट किया गया है। तो पौधे ठीक हैं। अगर आपके यहाँ भी ये समस्या है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैं थंब रूल आपको बताता हूँ, एक वर्ष तक के पौधों में 6 इंच से दूर, तने से 6 इंच से दूर पानी दीजिए। जब एक वर्ष का हो जाए 1 फीट दूर पानी दीजिए, 2 वर्ष के पौधे में 2 फीट दूर पानी दीजिए, और 3 वर्ष के पौधे में 3 फीट दूर पानी दीजिए, अगर उसकी कैनोपी अच्छी फैली हुई है। मूल सिद्धांत यह है कि कैनोपी से बाहर पानी देना चाहिए और कैनोपी से बाहर ही खाद देना चाहिए। अगर आप कैनोपी से बाहर पानी देंगे, पानी कैनोपी के अंदर नहीं जाना चाहिए, वहाँ जड़ों को नहीं आवश्यकता होती, तो इस प्रकार की समस्या कभी भी नहीं आएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।